धर्मी का धर्म चले, पाप का निस्तारा शिव चले, शिवपुरी केला चले कैलाश। फिर बोलो डल राम रचन की, फिर बोलो माठी थान की, फिर बोलो जोठ केलंग की, फिर बोलो निडेले डेरे की, फिर बोलो चौन माता की, फिर बोलो डल राम रचन की। अभी इस वक्त छोटे मन महज में है और यहाँ पर जो है डोडा वाली छड़ी जो है किस तरह से वेलकम करती है जो लाठी धुन के लोग आते हैं वहाँ से, और ये थोड़ी सी तस्वीरें और जो मैनेजमेंट कमेटी है यहाँ के मरम्मत की उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, ये वेलकम कुछ अद्भुत नज़ारा है और मुझे लगता है जिस तरह से आप वेलकम करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? बोलो राम रचना मनी महेश की। विकास जी, जम्मू परिवर्तन का हम बहुत स्वागत करते हैं राम रचना के इस ऊंचे शिखर पर। आपने आकर के जो कवरेज दी है हमें, राम रचना का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है इन बड़े शिखर ऊंचे पहाड़ों में और दुर्गम पहाड़ियों के बीच में। यहाँ भोलेनाथ बसते हैं और साथ में यहाँ राम रचना एक बहुत पुरानों में लिखा गया पुराना इतिहास है। आज के समय में जब यात्रा पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट की यात्रा यहाँ पहुँचती है और बड़ी हर्षोल्लास के साथ बड़ी ताकतवर संख्या के साथ लोग यहाँ पहुँचते हैं और हमारे जो साथी उधमपुर की जो जनता जो यात्री यहाँ आते हैं उनका स्वागत, उनका भव्य स्वागत किस तरह से किया जाए, ये मेरे सभी नौजवान साथी समस्त रूप पर हमारे साथ तैयार हैं और इस तरह से इस इतिहास को हर साल दोबारा दोहराया जाए ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और किन चीज़ों की कमियाँ अभी भी आपको लगती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को अभी पूरी करनी चाहिए, चाहे उधमपुर हो या फिर डोडा, क्योंकि काफ़ी दिक्कत का सामना यहाँ पे श्रद्धालुओं को भी करना पड़ता है। ना कोई बाथरूम की फैसिलिटी है और ना ही कोई आप लोगों के लिए जो लंगर लगाना है या फिर धर्मशाला इस तरह की कोई बनाई हो। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कुछ करने को बाकी है। अभी यहाँ पर राम रचना के अंदर की अगर आप बात करें तो यहाँ यात्रियों के सिर पर कोई छत किस्म की कोई चीज़ नहीं है या वो टेंटिंग की कोई सुविधा नहीं है हमारे पास और किसी किस्म का, जैसे हमारे कोई शेल्टर नहीं है और बाथरूम की सुविधा नहीं है। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं समझता हूँ कि महकमा फॉरेस्ट हो, टूरिज्म हो, आर्ट एंड कल्चर हो, वो ऐसी सुविधाएं दूसरी जगह प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ में जैसे हमारे पॉलिथीन या टाफी को लेकर या दूसरी चीज़ों में ऐसी चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, हम सभी मेरे मित्रों से, मेरे श्रद्धालु जो साथी आए हैं उनसे निवेदन करते हैं कि वो ऐसी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल यहाँ ना करें, ऐसी चीज़ें लाई जाएं जो डिकम्पोजेबल हों और ये हमारी पर्यावरण को भी नुकसान करेंगी और हमारी इस खूबसूरती को भी नुकसान पहुँचाएंगी। चलिए इनके साथ बाद में भी बात कर लेंगे हम, और लेकिन जिस तरह से इन्होंने साइडों से लाइनिंग लगाई है और तमाम छोटे बड़े सब लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं हाथ में फूल लेकर, जैसे यहाँ पर पुजारी वगैरह जब पहुँचेंगे वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये तमाम लोगों का वेलकम करते हैं जो भी यहाँ से पुजारी आएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं फिर उसके बाद उनके आशीर्वाद भी लेते हैं और उसके बाद जब नीचे डल के पास पहुँचने के बाद एक प्रथा है जिस डल को जो है फोड़ा जाता है और उसके बीच में जो है वो पूरे पुजारी जो है आस पास क्रॉस होते हैं। यानी यहाँ के लोग ऐसे भी मानते हैं कि जो भी अपने घरों में या फसलों में कोई भी फल हो या सब्जी हो वो जब तक यहाँ पर ना चढ़ाएं तब तक वो जो है खाते भी नहीं है। यानी अद्भुत नज़ारा है, भोलेनाथ जो है अपनी कृपा जो है यहाँ पर लगातार सब भक्तजनों को दिखाता है और 30-40 हज़ार से ज़्यादा भक्तजन जो है भोलेनाथ के दर्शन छोटे मनमेश में करने आते हैं। किस तरह से यहाँ की मरम्मत की जो कमेटी है किस तरह से वेलकम करेगी यहाँ पर जितने भी पुजारी हैं, और ये यहाँ से आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी रखे हैं और तमाम चीज़ें जहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन, और ये तस्वीर भी आपको यहाँ से दिखा दूँगा जहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो है श्रद्धालु जो है, आप तस्वीरें ये देख सकते हैं जहाँ पर ये लगातार आप देखेंगे जहाँ पर किस तरह से सब चीज़ें जो है करवाई जाएंगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर किस तरह से यहाँ पर वेलकम किया जाएगा और सब लोगों के ऊपर फूल वगैरह सब चीज़ें जो है फेंकी गई हैं। और ये देख लीजिए किस तरह से छड़ी जो भी पुजारी है और किस तरह से वेलकम, और तमाम लोग जो है आप यहाँ से किस तरह से फूल प्रसाद यानी यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए तमाम चीज़ें करते हुए, और ये तस्वीरें अद्भुत हैं। और एक दूसरे का मान सम्मान करना, आशीर्वाद लेना, और इसके बाद जो है देख सकते हैं जयकारे यहाँ पर भोलेनाथ के जयकारे जहाँ पर लगातार भक्तजनों की भीड़ जो है आप देख सकते हैं जहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है भक्तजनों की भीड़ है। सब चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश भी करेंगे हम यहाँ से, और तमाम
जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं वो सब चीज़ें जो है आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने जिस तरह से पहले भी कहा था 30-40 हज़ार से ज़्यादा श्रद्धालु जो है भोलेनाथ के दर्शन करने छोटे मणिमहेश पहुँचते हैं। बताएं सर, सबसे पहले मैं जय शंकर जय भोलेनाथ और सारे यात्रियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि जितनी संख्या में इधर लोग आ सकते हैं और आएं, और हर एक देश से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक स्टेट से मैं रिक्वेस्ट कर, हमारी कमेटी का नाम है लाठी लंगर संस्था। लगभग कितने सालों से बना रहे हैं? हम 11 साल से चला रहे हैं सर, 11 साल से। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और भोले शंकर का प्रसाद ग्रहण करें। जय शंकर जय भोलेनाथ। इन चीज़ों की अभी भी जो है आपको कमियां लगती हैं? बाकी सब ठीक है, अभी सब ठीक चल रहा है, कोई कमी नहीं महसूस है, अभी सब ठीक है, भोले शंकर की दया से सब ठीक चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन तक यहां से कोई अपील आपकी तरफ से, चाहे कोई फैसिलिटी? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इधर लाइट की व्यवस्था हो जाए और एक रोड की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि लोग यात्रियों को आने की सुविधा हो जाए और लाइट हो जाए, सिर्फ बस इतनी सुविधा हमें चाहिए, बाकी सब ठीक है। चलिए जय भोले। और लगातार जिस तरह से ये लाठी के लोग हैं और तमाम जो है भक्तों की सेवा में लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरह से देख सकते हैं जहां पर एक जो यहां पर इन्हीं के कमेटी के कोई सदस्य हैं जो लगातार यहां से जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको बुलाकर जो है खाना खाने के लिए यहां लाते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे जैसे लोग आपको ऐसी जैसी जगह मिले जहां पर खाने का कोई बंदोबस्त नहीं होता, कोई भी चीज़ नहीं होती, और वहां पर इस तरह की फैसिलिटी मिले। मुझे लगता है कि भोलेनाथ की कृपा होती है, तभी इन लोगों ने जो है 11 साल से लंगर जो है यहां पर लगाया है। उम्मीद करेंगे लोग इसी तरह की चैरिटी करते रहें और इसी तरह से यात्रियों की सेवा में अपनी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाते रहें, और भोलेनाथ जो है हमेशा अपना हाथ और अपनी कृपा जो है इन ऐसे जैसे लोगों के ऊपर रखेगा। छोटा मणिमहेश में है और डल राम रचना के नाम से भी जाने जाने वाला। और अभी हम जो है एक लंगर के पास आए थे और इस जगह का जहाँ पर एक बैनर भी लगाया है, छोटा मणिमहेश डल यात्रा राम रचना, और इसके ऊपर न्यू लंगर कमेटी लाठी तहसील लिखा हुआ है और छोटे मणिमहेश डल यात्रा। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखा दूँ जो इन्होंने प्रसाद वगैरह बनाया है और क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर भक्तजनों के लिए बनाई हुई है। सर थोड़ा सा बताएँ क्या क्या चीज़ें? सर खट्टा है, राजमा है, मिक्स दाल है, चावल हैं, मीठे चावल हैं। चलिए अब इन लोगों की कमेटी जो है और जिन लोगों ने ये लंगर लगाया है मिलजुल कर और इन्हीं से बात करेंगे और क्या कहना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रतन चंद है। रतन चंद जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? लाठी के रहने वाले सर। कितने साल हो गए आपको लंगर लगाते हैं यहाँ पर? सर हमने तो ये न्यू लंगर जो है पिछले साल ही शुरू किया, तो ये 10-11 साल का ये दूसरा लंगर भी चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट डोडा से मरमत का भी लंगर है, वो भी लगाते हैं, और एक और लंगर है इसको कुलवाक बोलते हैं मरोठी से, वो भी लगा है इधर, तो सेवा करते हैं भोलेनाथ की सर। अच्छा, आपने कहा कि पिछले साल से आपने ये लंगर लगाया है और क्या क्या चीज़ें आप जो है भक्तजनों को खिला भी रहे हैं और क्या क्या चीज़ें? सर थोड़ा कठिन भी होता है ये इधर पहुंचाना, हमने राजमा बनाए हैं, मीठे चावल बनाए हैं, मिक्स दाल बनाई है, तो साथ साथ में खट्टा भी बनाया है, तो जो हमसे होता है वो हमने किया है सर भक्तजनों के लिए। चीज़ आपको बताना चाहूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ आपकी, मतलब कि जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छी आपने हर चीज़ बनाई है और जो इंसान कभी सोच नहीं सकता कि इतने दूर दराज पहाड़ी पे आकर इस तरह से बनाना, क्योंकि यहाँ पर चावल पकाने या बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं पक पाती है, लकड़ी के सहारे से सब चीज़ें करनी है, मतलब इतना टेस्टी है कि सब लोग कह रहे थे कि बहुत बढ़िया है जी। चलो जी, अपना से ये भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, हम कोशिश कर रहे हैं जो हम ऐसा कर रहे हैं जो अच्छी से अच्छी चीज़ बने और जो हमारे जो भक्तजन हैं, हमारे यात्रु हैं, वो भी खाएं और यही बोलें कि अच्छा बना है, तो हमारी सेवा भी भोलेनाथ के चरणों में। कितने लोगों की आपकी ये पूरी कमेटी है? हमारी कोई 100-150 लोगों की जो कमेटी है, हमें जो इधर जो बर्तन लाना पड़ते हैं, जो चीज़ें लाना पड़ती हैं, इसलिए हम 100-150 लोग जुड़े हैं। अभी और लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ,
तो कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको इस लंगर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, किन चीज़ों की कमियां हैं जो अभी यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी करनी चाहिए, चाहे फिर डोडा का एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर उधमपुर का हो? जी तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हम उनको जो हम अपनी जब हम पेश होते हैं उनसे जो चीज़ें मांगते हैं, जैसे मेडिकल है, मेडिकल की फैसिलिटी है, बिजली है, पानी है, तो वो हमारे लिए अपने डिपार्टमेंट के लोग आते हैं यहाँ, लैंडमैन भेजते हैं, पानी के पीएचई का भेजते हैं, अभी भी भेजे हैं, मेडिकल वाले भी दवाइयाँ वगैरह वो भेजे हैं। लेकिन सर जहाँ बहुत बड़ा एक पहाड़ है, पानी का भी मसला है, हमने जहाँ जहाँ सोर्स से अपनी प्राइवेट पाइपें लगाई हैं, लेकिन हम उनको कोई अच्छा सोर्स एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करते हैं, जहाँ शेड होना चाहिए, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, टॉयलेट भी होने चाहिए, और सरकार की तरफ से हम यही अपील कर रहे हैं, शेड होना चाहिए। बारिश होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, तो शेड की हमें बड़ी ज़रूरत है। हमने जी खुद बनाया है, अभी ऐसे एर्जी बनाया है। आइए, क्या कहना चाहेंगे? ये शेड जो है एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी डिमांड है कि हमें 3 का ही चाहिए, लेकिन ये शेड बनना चाहिए ताकि लोगों को बारिश में अंदर बैठ सके। एक और दिक्कत आती होगी जब आपको मतलब यहाँ से आप जो है सामान वापस ले जाना है, सारी चीजें, अगर यहाँ पर अगर कोई धर्मशाला इस तरह की बन जाए, सामान इधर रहेगा, हमें उठाकर नीचे लेना पड़ता है 15 किलोमीटर नीचे, सब जितना सामान है, अगर जहाँ धर्मशाला हो तो हम उसको ताला लगाकर इधर ही रखेंगे। चलिए, ये न्यू लाठी धुन क्या जिस तरह से इन्होंने बताया, और कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इन्होंने बताया कि बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की, और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ये पूरी करनी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इधर बाथरूम होनी चाहिए और शेड होना चाहिए, इतने लोग हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ, तो अगर बारिश पड़ जाए तो लोगों को रहने की कोई सुविधा नहीं है, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, कि जहाँ थोड़ा बहुत कुछ शेड होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, काफ़ी लोग यात्रा करने के लिए आते हैं, लेडीज़ होती हैं, बूढ़े होते हैं। चलिए, छोटा मनमेज जिस तरह से हमारी ये डिमांड है कि जहाँ जैसे हमने जहाँ इतनी दूर से सामान लाना पड़ता है, इधर सबसे पहले मैं ये डिमांड करता हूँ कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ एक कोई धर्मशाला होना चाहिए, क्योंकि जो हम नीचे ऊपर का सामान लाते हैं, जैसे टब हम जे खाना बनाने के लिए जो बर्तन लाए हैं, हमें इतना भी मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें एक धर्मशाला मिल जाए, जिसको हम अपना खरीद के कमेटी सब अपने टब खरीद के इधर ही डंप करके रखें, ये सबसे बड़ी बात है हम के लिए। और दूसरी बात है कि हमें जहाँ पानी की कोई होनी चाहिए। तमाम लोग जो है जिस तरह से इन्होंने बताया, न्यू लंगर कमेटी लाठी तहसील के हैं और 150 से ज़्यादा लोग जो है इस लंगर कमेटी में काम कर रहे हैं, और उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन से और डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि ताकि यहाँ पर कोई धर्मशाला बन जाए, ताकि आने वाले समय में जो है यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं को जो है दिक्कत ना आए, चाहे वो पानी की प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, उम्मीद करेंगे ये सब ना हो, और ताकि इतना बड़ा छोटा मनमेज जहाँ पर 30,000 से ज़्यादा श्रद्धालु आज भी यहाँ पहुँचेंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट टाइम तक जो है यहाँ पर कुछ बदलाव करे, और ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिलहाल देखते रहें यूं जम्मू परिवर्तन।